नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे गुरुजी में। आइए जानते हैं कुंभ राशि का राशिफल जनवरी फरवरी मार्च 2019 का। सबसे पहले हम आपको बता दें कुंभ राशि किन जातकों की होती है, जिनका नाम गु गे गो से सी सु से सो और द इन अक्षरों से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। आइए जानते हैं वर्ष 2019 पहले तीन माह कैसा रहेगा उनका भविष्य। सबसे पहले नजर डालते हैं स्वास्थ्य पे। पहले जनवरी और फरवरी में आपका स्वास्थ्य खराब रह सकता है, किसी तरह की बीमारी उत्पन्न हो सकती है या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसके कारण आपको गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मार्च में आपका स्वास्थ्य बखूबी ठीक हो जाएगा और आप अच्छी तरह से अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रख पाएंगे। प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध, प्रेम संबंधों में निखार आएगा, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होगी तथा आपसी तालमेल भी किसी कार्य को सफलता बना सकता है। प्रेमी और प्रेमिका आपसे मधुर संबंध बनाए रखने के लिए एक साथ एक दूसरे से प्यार करते हुए कामकाज में सफल हो सकते हैं। किसी अन्य व्यक्ति की वजह से एक दूसरे से मतभेद उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है, इसलिए किसी बाहरी व्यक्ति पर ज़्यादा विश्वास ना करें या फिर आवश्यकता पड़ने पर ही कोई ऐसी विचारधारा अपनाएं जिससे आपसी तालमेल खराब ना हो और एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें, अन्यथा किसी तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि जनवरी और फरवरी में आप संभल कर नहीं चले तो निश्चय ही आप दोनों के बीच में संबंध बिगड़ सकते हैं अगर आप गृहस्थी है। अगर आप गृहस्थी नहीं है तो आपको जनवरी और फरवरी का महीना आपके लिए उत्तम है। आप किसी भी नए प्रेम प्रसंग को अंजाम दे सकते हैं या फिर अपने नए प्रेमी के साथ प्रपोज कर सकते हैं, जो कि आपका बखूबी कामयाब रहेगा। आपको विशेष रूप से जनवरी और फरवरी में, जनवरी में 10 जनवरी, 11 जनवरी और 19 जनवरी को संभल कर चलना होगा। फरवरी में 1 और 2, 3 फरवरी को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये जो दिन है आपके लिए कष्टदायक हो सकते हैं। मार्च का महीना आपके लिए अच्छा होगा, बेहतरीन होगा और कामयाबी की हर द्वार आपके लिए खोल देगा। जनवरी फरवरी मार्च में आ रही आप पर परेशानियों को दूर करने के लिए आप छोटा सा उपाय भी कर सकते हैं। शनिवार के दिन साफ सफाई संबंधित वस्तुएं शनि मंदिर में दान दें, यानी आप झाड़ू का दान भी शनि मंदिर में दे सकते हैं और शनिवार के दिन भगवान शनि देव की प्रतिमा पर सरसों का तेल भी चढ़ाएं, यानी भगवान शनि का सरसों के तेल से अभिषेक भी करा सकते हैं। बने रहे हमारे गुरु जी के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। जल्द ही हम अगले 3 महीनों का राशिफल आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।